नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में दिन निकलती ही पानीपत खटीमा राजमार्ग पर संबलहेड़ा पुलिस चौकी के समीप हाईवे पर तीन गोवंश मृत पड़े मिले। सूचना मिलते ही बजरंग दल के आधा दर्जन कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बजरंग दल के सदस्यों ने असामाजिक तत्वों द्वारा गोवंश को जहरीला पदार्थ खिलाकर उनकी हत्या कर उन्हें किसी वाहन में लादकर यहां फेंकने की आशंका जताई है। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे पानीपत खटीमा राजमार्ग पर संबलहेड़ा पुलिस चौकी से करीब 300 मीटर के पहले फ्लाईओवर के नजदीक हाईवे पर तीन गोवंश मृत पड़े दिखाई दिए और एक गोवंश मरणासन हालत में तड़प रहा था। इसकी सूचना किसी व्यक्ति ने बजरंग दल के हरीश सैनी को दी, जिस पर हरीश सैनी, गौरव कुमार, अमित कुमार, हिमांशु सैनी, बच्चे सिंह, प्रवीण व उपदेश समेत करीब आधा दर्जन बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मृत पड़े गोवंशों को देखकर आक्रोशित हो गए और पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक भी मौके पर आ गए। इस दौरान बजरंग दल के सदस्यों ने किसी असामाजिक तत्व द्वारा इन गोवंशों को जहरीला पदार्थ देकर इनकी हत्या करने और बाद में किसी वाहन में लादकर इन्हें हाईवे किनारे फेंकने की आशंका जताई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से मृत गोवंशों को जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर दबा दिया और मरणासन हालत में पड़े गोवंश के उपचार के लिए कान्हा गौशाला भेज दिया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।